जय गुरु जी बच्चे लोग बहुत दिन के बाद फिर से आप लोग के लिए मैं यूट्यूब लाइव आएगा बहुत दिन हो गया था आप लोग भी सोचते होंगे गुरु जी बहुत दिन से यूट्यूब लाइव नहीं आए हैं खैर कोई बात नहीं आ गए हैं चलिए अब थोड़ा सा एक बार आप लोग का नाम विचार भी पूछ लेते हैं कौन कौन है क्या क्या है आ... स्पेशल मूवमेंट क्या है जागुरु जी अमन कुमार जागरूज जी योगेश जागरू जी विद्यानंद पंडित जागरू जी अभिषेक जागरू जी मनीष कुमार जागरू जी सचिन तसिन जी गंगाधर जागरू जी पंकज जागरूजी नितेश जागरू जी हितेश जागरूजी खुशनंदन जागरू जी गौरीश जागरू जी रामकृष्ण जी पिंटू जागरूजी मनीष जागरूजी पंकज जागरूजी कृष्णा जायगुरु जी कितने स्टूडेंट का मैं मेरा परिवार छोटा थोड़ी है बहुत ढेर सारे बड़ा परिवार है मेरे मेरे परिवार इतना बड़ा है कि मैं सभी को नाम नहीं ले पाऊंगा सभी को हेमंत मिश्रा जायगुरु जी जो भी कुछ आदित्य जायगुरु जी दुर्गानंद जायगुरु जी मनमोहन जागुरु जी गुड्डू जायगुरु जी राहुल जायगुरु जी अः काश जी चलिए नेहा जायगुरु जी मिथुन जायगुरु जी योग इडिट है जायरॉजी जी जो भी है सभी को एक साथ जायग्रोजी बोस बहुत आ, मेरा परिवार इतना बड़े हैं कि हम नाम ले पाएंगे सभी को इसीलिए आप छोटा छोटा मन नहीं करिएगा कि गुरु जी मेरा नाम नहीं लिए चूंकि एक्चुअली में स्क्रॉल इतना स्पीड में होता है ना कि पढ़ पाते टिकने पाते और आ, नजर से ओझल हो जाते हैं आ, फिर भी चले जो भी नजर पा रहे हैं सबका नाम ही ले रहे हैं रिक्वेश प्रकाश हर्ष मनीष निकुन अखिल मनोरथ मिथुन आर्यन अभिषेक मनीष गोविंद नवीन विवेक आजाद अभिषेक मुरारी मनोरथ मनीष नेहा अभिषेक नवीन अमित शाह रूपेश नीरज अखिल आर्यन अटचूट अमेजा उसका नवीन कुमार के आजाद गौरेश रामकृष्ण सतीश ऑल इन सक्सेस वीडियो जो भी हो, नाम चलिए सभी को एक साथ सब तो आज का क्लास का मेरा कोई टॉपिक नहीं है बस टॉपिक यही है, है जैसे पिछले साल मैंने आप लोगों को टू थाउजेंड ट्वेंटी वन का नीट का क्वेश्चन पेपर और एनसीआर दिखाया था कि रिलेशन बिटवीन द प्रूविंग दैट रिलेशन बिटवीन नीट एंड एनसीआर तो इस जो कल एग्जाम हुआ था नीट का तो उसमें भी मैं यही करने वाला हूं आप लोगों को कि दोनों का रिलेशन बताना हो कि अगर नीट है तो एनसीआरटी है एनसीआर टी है तो नीट है इसीलिए अगर आप एनसीआरटी नहीं पढ़ते हो तो कहने की आपको नीट संभव नहीं हो सकता हाँ थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा बेसिक कंसेप्ट भी लेकर चलना होता तो बेसिक कॉन्सेप्ट इलेवंथ के लिए होता के लिए बेसिक कॉन्सेप्टी आर टी ट्वेल्थ इनफ है एनसीआर में बेसिक कंसेप्ट थोड़ा बहुत होता है उससे क्या होता है एनसीआर टी को सोल्व करने में मदद मिलता है लेकिन एनसीआर टी हंड्रेड परसेंट है लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे पिछले साल के तुलना में इस बार जो 2022 में जो नीट का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन तो इजी था लेकिन क्वेश्चन पेपर का तो जो सेटिंग था ना टाइम टेकिंग था और स्ट्रेट क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था एक से क्वेश्चन का आंसर था स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड था मैचिंग भी था और स्ट्रेट क्वेश्चन कुछ ही था तो इस बार क्या किया कि बायोलॉजी टाइम ज्यादा ले लिया होगा और चूंकि जानवे कर तो फिफ्टी परसेंट वेटेज है नीट में बायोलॉजी का और फिज केमिस्ट्री में तो ट्वेंटी तो बायोलॉजी इस बार कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट बायोलॉजी करते हैं चूंकि किसी का भी नीट नीटेंट स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी उसका फेवरेट पेपर होते हैं फेवरेट टॉपिक होते हैं फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें टाइम टकिन सब कुछ ज्यादा लिया होगा क्योंकि समझना पड़ा होगा बहुत सारा ऑप्शन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसके बाद ऐसा संदेशन था उसका मैचिंग था तो उसमें टाइम लगता इजी क्वेश्चन तो इजी था सब एनसीईआरटी बेस्ड था देखा रहे लाइन बाय लाइन पेज नंबर चैप्टर सब कुछ दिखा रहे हैं आ, लेकिन बताना ये चाह रहे थे कि कंपटीशन टफ से टफ होते जा रहा दिन दूना हमेशा कंपटीशन टफ होते जा रहा हफ्ते जा रहा होते जा रहा तो उस में आप का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर के आप लोग सक्सेस कर सकते हैं या सही समय पर अपना क्वेश्चन आते हुए अटेम्प्ट कर सकते हैं वरना क्वेश्चन तो आते रहता है लेकिन अटैम्प्ट नहीं करता समय ले लेगा फिर केमिस्ट्री में देंगे फिर इसमें आते आते बस इसमें रोज टाइम इंड बना नहीं पाएंगे तो इसीलिए अब जो भी को हो जो एस्पिरेंट हो नीट एस्पिरेंट हो तो उस स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग क्वेश्चन इजी रहता है है लाइन वाला देखिए और कुछ नहीं एनसीआर देखिए और मास्टर बना लीजिए बस कुछ नहीं एनसीआर और उसका जो ऑब्जेक्टिव है मास्टर एनसीआर बनाकर दिखिए और कुछ नहीं और कुछ नहीं दिखना बहुत सारी किताब नहीं पढ़ना बस सॉलिड किताब NCRT, है और उनका जो ऑब्जेक्टिव है मास्टर एनसीआर उसमें सब ढंग का अब देखिएगा मास्टर एनसीआरटी खड़े हैं कि नहीं खरीदे खरीदे होंगे आप लोग

मेरे बारे में कोई ना चाहेगा तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता क्योंकि मैं एब्री चेंज कर से, जैसा मांता, मांता, का होता उस अनुसार से जरूरी नहीं कि एक ही धर्ड पर पड़े रहेंगे नहीं ना अगर नवीकरण नहीं करेंगे नयापन नहीं करेंगे तो बस ऐसी हो गया वेरिएशन तो लाता है चलिए तो टाइम टेकिंग क्यों करेंगे इतना बता दें कि आप लोग का इस बार इजी क्वेश्चन था लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन था बायोलॉजी में तो बायोलॉजी पे बता मेरे आप लोग को आज एस थ्री सेट भी हो सकता है बट एस थ्री मेरे पास जो अवेलेबल हो गया एस थ्री है तो उसी को मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ तो सभी को एक साथ फिर से जायोलॉजी हाँ आपको आप लोगों के बहुत मिस यूज मिस कर रहा हूँ बहुत मेरे पुराने स्टूडेंट है यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब किए हैं मेंबर्स है सब कुछ है तो मैं भी आप लोग को मिस मिस करता हूँ ऐसे नहीं कि आ, आप ही हमको मिस करते हम भी आप लोग को मिस करते हैं जैसे अगर आपको नाम लेते हैं तो नाम देखते ही चेहरा आ जाता है आ, सब कुछ आ जाता है तो मिस कैसे नहीं करेंगे मेरे अः चेला रह चुके हैं कुछ चेली रह चुके होंगे मेरे परिवार थे हम सब मिल करके दो साल समय बिताए थे तब सब ढंग से, से सब नॉलेज लिए थे व्यवहारिक से सामाजिक से सब ढंग का ऑल सभी टाइप का आप लोगों को मैं नॉलेज दिया था जितना मेरे पास में नॉलेज था उतना मैं दिया था जो पास आउटेंट हो हो, टाइम हो तो, तो स्टार्टे की हो देखते जाओ गुरु जी के बारे में जानते जाओ जितना गुरु जी को जानेंगे उतना ही आपको अच्छा होगा चलिए तो एक बार फिर से अब सभी के साथ जाए गुरु जी द पॉइंट पर चलते हैं अब आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स को बंद कर देते हैं मायने मत करिएगा बिकॉज चूंकि हमको ध्यान भटकेगा नहीं है टू डॉ पॉइंट पर रहेंगे टॉपिक पर परेंगे तो एस थ्री पेपर को दिखवाना है एस थ्री को एस थ्री में बायोलॉजी आ गया था एक सौ एक से एक सौ एक से बायोलॉजी स्टार्ट हुआ था एक सौ एक से बायोलॉजी स्टार्ट हुआ था एस थ्री को मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है क्वेश्चन पेपर है और जस्ट आप लोग का आ, आंसर बता देंगे पेजर में बता देंगे टॉपिक बता देंगे सभी बता देंगे तो अब हम लोग विषय वस्तु पर चलेंगे पहला क्वेश्चन इस बार 2022 नीट का क्वेश्चन पेपर का इस कोड का पहला क्वेश्चन है इन द ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जायलम इज डार्क ब्राउन बूढ़ा ट्री में ओल्ड ट्री बूढ़ा ट्री में ग्रेटर पार्ट होते सेकेंडरी सेकेंड्री का सही बात दूसरी दु, दु, बार जो जायलम बनेगा सेकेंडरी का बहुत ज्यादा पार्ट होते हैं

हार्ट उड जो होता है दैट मीन की सेकेंडरी जन्म ज्यादा रहते हैं उस ओल्ड ट्री में ज्यादातर होते हैं उस उस उतना ज्यादा मजबूत होते सारी लकड़ी उस पर कीड़ा मकोड़ा भी इन्फेक्ट नहीं कर सकता इनसे इंसेक्ट कोई भी इंसेक्ट इवन माइक्रो ऑर्ग में भी नहीं माइक्रो माने फूफी फुफ, हंजाय तक भी नहीं रह सकता और कोई भी दीमक तिमक जो भी कुछ लकड़ी को खाते हैं वो कुछ नहीं कर सकता इवन की सारी लकड़ी को हर्ट उड को जो कारपेंटर काटते हैं आरी से तो इतना कठोर होता है कि उसका आरी स्लिप करते रहता है

पिछले साल बहुत सारे बात बोलती है इस बार मैंने बोलने का मन नहीं करता है आ, कि बहुत सारे टीचर को चलन अंगना तेर मैंने पढ़ाने आते NCRT तो है है नहीं पढ़ो अरे सिलेबस सब कुछ चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे नीट हो चाहे जो भी कुछ हो एनसीआर आपका किताब है ऑल ओवर इंडिया में चलता है एनसीआर सिलेबस है नीट में टू जेड क्वेश्चन एनसीआर उठा कर रख देता देखो ना यहाँ पर अब यहाँ पर देखो कि इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेकंड यहाँ तक पढ़ लिए अब देखते क्वेश्चन पर एक रेंज है क्वेश्चन पर क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में क्या इन ओल्ड ऑल ट्रीज ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकंड डिजाइल यहां तक पढ़ लिए यहां तक पढ़ लिए देखिए यहां तक पढ़ लिए लाइन उठा के सीधे एनसीईआरटी का रख देता बच्चे सोच चलिए लाइन सीधे एनसीईआरटी को उठा के रख देता कहां गया कहां गया यहां पर सेकंड डिजाइल उसके आगे क्या था और उसके आगे था सेकंड डिजाइल छोटा करना पड़ेगा डार्क ब्राउन ड्यू टू अब डार्क ब्राउन था ड्यू टू अब यहां से ड्यू टू डार्क ब्राउन होते हैं इनर मोस्ट लेना के तना मतलब के तानाके. तानाके बिचला पार्ट में ट्रेनिंग रेजिन वोमेटिकल ऑयल जमा हो जाते हैं इस सबको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मतलब बाद में बनते हैं और जो भी केमिकल सेल में लास्ट लास्ट में बनते हैं या बाद में बनते हैं उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं चाहे वो डेनिंग हो चाहे रेजिन हो चाहे ऑयल हो चाहे गम हो चाहे बनते हैं इसलिए क्या होता है कि इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाता ड्यूरेबल होता है वो तो लिखा ड्यूरेबल होते, होते रेसिस्टेंट अटैक नहीं कर सकता ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर सकता ना इंसेक्ट कर सकता यही लाइन उठा कर रख दिया क्वेश्चन में यही लाइन उठाकर रख दी यहां से पूरा यही लाइन अब ऑप्शन देखेंगे

अगला है अब सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट सुनिएगा रीड द स्टेटमेंट पढ़ना है स्टेटमेंट को एंड चूज करना है सही स्टेटमेंट कौन है करेक्ट कौन है सो इनमें से चारों में से तो ये क्वेश्चन लिया गया ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर सिक्स से पेज नंबर हंड्रेड से ट्वेल्थ के चैप्टर नंबर सिक्स के पेज नंबर हंड्रेड और नाइनटी से चलिए तो लेट किस बात का

अब यूक्रोमेटिन जो होता है लुजली पैक होता है ओके है? ठीक है आ, हेट, आ, और, एक्टिव, एक्टिव और हेट्रोक्रोमैटीन क्या होता एक्टिव होते है इनएक्टिव होते यहाँ पर देख लिए आगे बढ़ते अब था, था क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है यूक्रोमेटिन ये ऑप्शन सही है बिल्कुल सही है लुजली पैक है यूक्रोमेटीन अब क्या हेट्रोक्रोमेटिन नो हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव है यहाँ पे हेट्रोक्रोमेट सेकेंड ऑप्शन हेटरोक्रोमेटिन इनएक्टिव कैसे तो देख लिया अभी 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 देखे थे हेटरोक्रोमेटिन इनएक्टिव है हेटरोक्रोमेटिन यहाँ पर इनएक्टिव है यहाँ पर इनएक्टिव है तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेटरोक्रोमेटिन क्या है एक्टिव है तो ऑप्शन गलत है बी ऑप्शन गलत है ए ऑप्शन सही है अब कह रहे हैं वेप्ट अराउंड वेप्ट बाय द निगेटिव चार्ज डीएनए इन निक्लियोसोम में मतलब हिस्टोनोक्टामन के चारों भर लपटा जाता है निगेटिव चार्ज डीएनए मोलिक्यूल बनातालियोसोन अब ऑप्शन देखेंगे अब ऑप्शन क्या है अगला पेज में मतलब 99 में। अब देखें 99 में। अब 99 हम लोग आगे, आगे इसमें देखेंगे। देखें, ता बनाएगा क्या ये ऑप्शन तो भी क्या है सही है राइट है उसके बाद क्या लगा न्यूक्लियोसोम दो सो बीपी होता और उसमें क्या लिखा था चार सो बीपी इसमें लिखा चार सो बीपी तो गलती है

बी सही है ई e गलती है उसमें था 200 सौ बीपी इसमें है 400 सौ बीपी तो आंसर क्या होगा ए सी एंड डी ए सी टी अब जो भी स्टूडेंट का कॉपी थे, लिए थे वो स्टूडेंट का ये ऑप्शन सही है चौथा ऑप्शन इसका एस्थ्री का एस्थ्री का अब चलिए उधर देखते हैं अब इधर क्या है कि हुच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेलेट्रो फॉर असिस टेक्निक का इनमें से जिले के फर्स्ट में कौन सही नहीं है मतलब गलती कौन है बाकी सब सही है बट एक गलती को चुनना है जो चार ऑप्शन तो जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी और पेज नंबर एक सौ अंठानवे ट्वेल्थ के याद करिएगा ट्वेल्थ के ग्यारहवा चैप्टर पेज नंबर एक सौ अंठानवे चलते आले हम लोग चलते फिर से ट्वेल्थ के ग्यारहवा चैप्टर टे चैप्टर Uh, बाटोलॉजी ब्रांच है और चैप्टर का नाम है बाटोलॉज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बाटोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस उसका पेज नंबर है एक सौ अंठानवे पेज नंबर एक सौ अंठानवे चलते देखते हैं पेज नंबर एक सौ अंठानबे छियानवे हो गया संतानबे हो गया अंठानबे अंठानबे अब देखिए यहां पर क्वेश्चन था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट किया है इसके बारे में तो देखिए यहां पर यहां से पढ़िएगा

गिव ब्लू कलर नहीं ब्लू कलर नहीं होता कभी भी डीएनए ब्लू कलर हो ही नहीं सकता क्रोमेजेनिक होता है तो और डीएनए के निकालने को तो इलूसन ईवी बात सही है इसमें लिखाडियम ब्रोमाइड तो मालूम है तो सेकेंड सही है थर्ड सही है फोर्थ सही है सब है इसी टॉपिक है और गलत है कौन ए ब्लू कलर नहीं होता तो ए ऑप्शन गलत फर्स्ट ऑप्शन इसका एस थ्री पेपर का फर्स्ट ऑप्शन 103 क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट गलत है बाकी सब सही है इलोशन लिखा ना इलोशन तो uh, देखो इलोशन लिखा हुआ सब कुछ लिखा कह दिया तो आ, कहा चला गया बहस मत लगाइएगा दिमाग में इलोशन लिखा हुआ यहां पर लिखा इलोशन लिखा हुआ तो सब कुछ लिखा है इसी टॉपिक से था। तो हो गया एक ट्वेल्थ का था। चलते हैं कट करते सबको पहले साफ करते हैं चलिए अगला का लाइन उठा दिया चौथा क्वेश्चन देखते हैं चौथा क्वेश्चन है अलेवेंथ के चैप्टर फोर से एनिमल किंगडम से पेज नंबर है फिफ्टी थ्री के चैप्टर नंबर फोर से एनिमल किंगडम से और पेज नंबर है फिफ्टी थ्री तो देर किस बात का चलते एलेवेंथ में अब एलेवेंथ की दुनिया चलते एलेवेंथ की दुनिया एलेवेंथ में एलेवेंथ में एलेवेंथ में चैप्टर नंबर फोर आ गया एनिमल किंगडम में पेज नंबर फिफ्टी थ्री पेज नंबर फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री पेज टू

एक ऐसा पदार्थ तो होता है और अर्थोपोडा जितने भी कीड़ा मकोड़ा सबको होता है तो अर्थोपोर्ट्स जीव ये सब जीव, जीव सा से अर्थोपोर्ट्स है तो अर्थोपोर्ट का जो बाहरी स्केलेटन है वो काइटिन से बना से। से होता है तो ये भी क्वेश्चन हो गया ओके से अब है एक सौ पांच क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक सौ पांच है क्वेश्चन नंबर और चैप्टर से चैप्टर का नाम है मिनरल न्यूट्रिशन के न्यूट्रेशन चैप्टर उसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन पेज नंबर है तो देर किस बात का चलते हैं के चैप्टर नंबर टलेवेंथ के चैप्टर नंबर ट्वेल्थ नाम है चैप्टर का मिनरल न्यूट्रिशन और पेज नंबर वन नाइनटी एट

क्या करेगा वाटर को तोड़ेगा वाटर को तोड़ेगा ड्यूरिंग यहाँ पर है. तो काम यह है कि वाटर को तोड़ना ऑक्सीजन को निकाल देना फोटोसिंथेसिस के दौरान चलिए अब इसमें क्वेश्चन में तो पहला ऑप्शन हुआ फोर्थ अब मै... मैग्नेशियम क्या करेगा तो मैग्नेशियम देखिएगा मैग्नेशियम क्या करता है तो देख लेते क्वेश्चन मैग्नेशियम क्या करता जाते है मैग्नेशियम ऊपर में मैग्नेशियम है मैग्नेशियम क्या करता है तो मैग्नेशियम क्या एक्टिवेट है इंजाइम मैग्नेशियम क्या करेगा एक्टिवेट इंजाम रिस्प्रेशन के लिए मैग्नेशियम एक्टिवेट करेगा इंजाइम्स को रिस्प्रेशन करने के लिए अब अब चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं एक्टिवेट 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 ये हुआ यही लाइन उठाकर देख दिया एनसीईआरटी का क्या बात है इसीलिए एनसीआर टी अगर मन से नहीं पढ़ोगे तो बच्चों नीट नहीं तो नहीं निकलेगा इस जन्म तो नहीं निकलेगा अगला जन्म निकल जाएगा अब माइंड मत करिए सीरियसली बोल रहे हैं चूंकि इस बार हमको डांटना नहीं है चूंकि पिछले साल प्रूव कर चुके थे तो इस बार थोड़ा सा बहुत ही लाइटली लेके आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो बहुत डांट के पढ़ाए थे बहुत सारे बात भी कहे थे वीडियो वो तो भी डी हो बे करे पर रिस्प्रेशन तो सेकेंड का क्या है थर्ड है सेकेंड का थर्ड है अब बोरन क्या करेगा तो बोरन क्या करता पोलन जनरेशन करता बोरन बोरन अब देखते उसी में उसी में बोरन 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 बोरन, बोरन क्या करेगा तो पोलन जनरेशन करेगा यहां पर पोलन जनरेशन देखो यहां पर इस लाइन है पोलन जनरेशन ये लाइन है पोलन जर्मिनेशन तो बोरन करेगा पोलन जर्मिनेशन करेगा चलते अगला क्वेश्चन है आयरन आयन क्या करेगा एंजाइम को एक्टिव अब एको बचा तो यही होगा एंजाइम का एक्टिविटी करेगा कैटालाइज करेगा तोरेगा रिएक्शन करवाएगा तो कर ए तो का क्या था फोर दूसरा का क्या था थर्ड तो ए का फोर और दूसरा का क्या था ए का फोर दूसरा का थर्ड था इबोवा गलती हो गया थी इबोवा गलती हो गया आंसर होगा चौथा इसमें ए का फोर्थ दूसरा का सेकंड थर्ड सेकंड का था थर्ड

चलते हैं देर किस बात का ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर सिक्स से लिया गया पेज नंबर है एक सौ इक्कीस पेज नंबर है एक सौ इक्कीस फिर इनहेरिटेंस अब देखो इसमें क्या है कि आ, पेज नंबर एक सौ इक्कीस अगर थोड़ा सा भी एनसीईआरटी लाइन नहीं पढ़ेंगे ना तो कंफ्यूज कर देंगे क्योंकि हम सबको मालूम है डीएनए सॉरी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो बेसिस होता है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म होता है लेकिन नहीं एनसीआरटी में एक और चीज दिया डीएनए मैपिंग का भी दिया मतलब जीनोम का मैपिंग मैपिंग का 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 दिया जीनोम का मैपिंग का भी दिया है तो इसीलिए थोड़ा गौर से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कैसे देखिए इसमें क्या है अब इसमें इसमें सेटेलाइट 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 इसमें यहां पर यहां पर यहां से डीएनए सीक्वेंस बेसिस ऑफ पर जूम करते, बरा करते देख लीजिए डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए मैपिंग जेनेटिक मैपिंग बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग क्योंकि वो डीएनए का जो पोलिमोर्फिन है वो डीएनए का जो पोलिमोर्फिन डीएनए का वो बेसिस है जेनेटिक मैपिंग का जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम का एज्युअलज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अब देखिए सब यही जानता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकिन नहीं एनसीआर में ये बेसिस है और एक चीज का बेसिस है एक और चीज का वो है तो आप इसमें लिखा जेनेटिक मैपिंग का भी अब देखिए इसीलिए इसमें मोस्ट ऑफ तो स्टूडेंट कंफ्यूज किया होगा कि बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आंसर ये होगा आंसर एक होगा जेनेटिक मैपिंग का भी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सब देखा तो पत्रिका लगा दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म तो हाई है नो डॉट प्लस में एनसीईआरटी में जेनेटिक मैपिंग भी लिखा हुआ है अब सोचो कितना गहराई से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन मिलाना पड़ेगा वो सब थिंक 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 सोच सकते चलिए अगला क्वेश्चन है गैसियस कह रहे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब कुछ कहते हैं हार्मोन कहते फाइटो हार्मोन कहते हैं पी जी आर कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन कहते हैं गैसियस इथिलीन होता है इथिलीन होते हैं जो गैस के रूप में होता है जो रूट को प्रमोट करता है बढ़ने के लिए तो ये uh, लिया गया है के 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 पंद्रहवा चैप्टर से उसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पेज नंबर दो सौ पचास से पेज़ नंबर दो सौ गैसी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब हॉर्मोन प्लांट का हॉर्मोन नाम है यूज़ करेगा प्लांट में टू क्या करेगा तो प्रमोट करेगा रूट की ग्रोथ को रूट हेयर फॉर्मेशन को इनक्रीज एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन सरफेस करेगा कैसे आप देख लेते इसमें लेट किस का, का? चलते हैं पर चलते है, एलेवेंथ के चैप्टर नंबर फिफ्टीन और पेज नंबर दो सो पचास दो सो पचास छियालीस सैतालीस अड़तालीस पचास बात आपको पढ़ना इथिलीन द सिंपल गैसियस पीजीआर पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गैसियस है, है। करे क्या इसमें ये लिखा है यहाँ पर पर आंसर यहां पर ये लिखा है देखो कितना लाइन उठाया बाप रे बाप इतना अंदर से क्या इथिलीन मतलब गैसियस इथिलीन मतलब गैसियस जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है प्रमोट करता है प्रमोट करता है यहाँ पर प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को यहाँ पर टॉपिक है रूट ग्रोथ रूट ग्रोथ को एंड रूट हेयर को एंड क्या करेगा इंक्रीज कर देगा इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्शन करने के लिए सरफेस एरिया को रे वो कितना अंदर से लिया है क्वेश्चन बोवा सब देख रूट ग्रोथ एंड रूटेशन इनक्रीज एन सी मास्टर एनसीआरटी पेपर बना लीजिए और कहीं नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं और मेरे से जो पढ़ ली करते हैं चाहे आप कोटा जाओ पटना जाओ कहीं भी क्यों जाओ जरूरत दिल्ली जाओ कहीं पर जरूरत नहीं बायोलॉजी अगर मेरे पास इलेवंथ ट्वेल्थ बढ़िया पढ़ ली तो आपको कहेंगे बायोलॉजी मत पढ़िए वहां पर पढ़ सकते फिजिक्स केमेस्ट्री पढ़ सकते कमजोर है तो पढ़ सकते लेकिन बायोलॉजी में चिंता नहीं करिए बस यही कहेंगे आगे 11 Epic Writing चीप -स दो सौ उन्नीस पेज नंबर से अलेवेंथ के थर्टीन चैप्टर से दो उन्नीस पेज नंबर से दो सो उन्नीस पेज नंबर से लिया गया क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन तो देर किस बात का निकालते फिर से 11th 11th के थर्टीन चैप्टर चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पेज नंबर 219 219 219 18 हो गया 19 अब इसमें यही है C4 पाथवे वाला प्लांट है जो गर्मी में जो प्लांट रहता है उसको तो C4 पाथवे प्लांट तो उसमें ये लिखा है इसमें कि इस ये लाइन लिखा हुआ प्राइमरी प्राइमरी सीओ टू तो एक्सेप्टर करेगा फॉस्फो इनोलिक एसिड पीईपी में परच सेल में मेजोफिल में और सेल में रुबिस्को इंजाम नहीं होता बताए थे आप लोग रुबिस्को रोबिसको रोबिसको राइबलोज बाट कार्बऑक्च इंजाम का नाम है तो वो नहीं रहेगा मेजोफिल सेल में रुबिस्को इंजाम नहीं रहेगा और प्राइमरी सीओ टू एक्सेप्ट होगा वो पीईपी में होगा

है क्वेश्चन के के चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से लिया गया है सभी स्टूडेंट जो पढ़ चुका सब है सबको मालूम है लॉस ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ओवर एक्सप्रेनेशन एलियन स्पेस इमशन एंडक्टेंसन कॉज होता किसका लॉस का फिर भी चलिए हम चूंकि प्रूव कर रहे हैं ऐसे तो बोल देंगे तो अभी भी कुछ को लग जाएगा। <laughs> अभी तक किसी किसी को विश्वास नहीं होता घूमते रहता, <laughs> रहता. अथा रहता. ये तो है, है प्रूव कर देते बापर बापर मेरे पास टेक्निक नहीं रहता तो हमको जीने वायरस सब यहाँ का वायरस सब चलना ना था आनाटे एनसीआर पढ़ाने

प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज है द मैनफोल्ड इन रिसेंट ईयर इतना हाल ही फिलहाल में कुकुम्बर को बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है एप्लीकेशन देने एक फाइटो हार्मोन है फाइटो हार्मोन मतलब हार्मोन है प्लांट का हार्मोन है प्लांट फाइटो हार्मोन कहते हैं जो इंक्रीज हो गया है फसल वो हार्मोन फीमेल फ्लावर को बढ़ा देता है फीमेल फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा ना फीमेल फ्लावर से वेजिटेबल्स बनेगा फीमेल फ्लावर को बढ़ा देता है वो हार्मोन का नाम क्या है उस हार्मोन का नाम क्या है ये लिया गया है एलेवेंथ का चैप्टर नंबर फिफ्टीन वही चैप्टर है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पेज नंबर दो सौ पचास देर किस बात का देर किस बात का खुला ही है सॉरी ये तो थोड़ा तो सा क्लोज करें दी सबको कैदरिंग हो गया हम्म में दो सौ पचास इसी में दो सौ पचास इस समय लिखा दे कितना अंदर से लिया गया है अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ेगा कोई तो नहीं होगा कुकुम्बर यहाँ पर कुकुम्बर ले को लिया है फीमेल प्रमोट प्रमोट करता करता फीमेल फीमेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर को कुकुम्बर में कौन गैस है कौन हार्मोन है इथिलीन 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 है तो बच्चों लो क्वेश्चन कहीं से फरता नहीं है फिर से बार कहने दो सिलेबस एनसीईआरटी, टी बुक एनसीईआरटी, टी बोर्ड एनसीईआरटी, टी नीट एन सी आर टी तो क्या पढ़ेगा इतना मोटा मोटा रिफ्रेंस बुक होता आलते फालतू पुराना सिलेबस का 2007 से लेकर अब तक केवल एनसीईआरटी टी सिलेबस है सिलेबस एनसीईआरटी, टी टॉपिक एनसीईआरटी, टी सब कुछ एनसीईआरटी टी है 2007 से लेकर अब तक यहां तक अब नया शिक्षा नीति लागू होगा तब बदल देगा सिलेबस दूसरी बात है दो सात से पहले बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना तो नहीं क्लास को नहीं, आप लोग बोर हो जाते हो आ, या मन उप जाते हो हाँ, जो पढ़ने वाला था अब तक जुड़े हुए थे आ, जो नहीं उसका कोई बातें नहीं तो बस आज हम अब चार पांच दिन ऐसे ले लेंगे दस दस क्वेश्चन दस दस क्वेश्चन दस दिन तक मैं आप लोग को रेगुलर आऊंगा मैं अनाउंस कर दूंगा अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अपने ऐप पर में कर दूंगा अभी भी जुड़े हो जुड़े रहेगा और जो भी मेरे पास स्टूडेंट है पासवर्ड स्टूडेंट है आप अपने ऐप में जुड़े हुए हो जुड़े रहिएगा कभी डिलेट मत करिएगा कभी भी नोटिस देंगे तो आ जाएगा आपके पास में चूंकि मेरा ऐप आपका एम बी तेमबी कुछ नहीं कहेगा बस परा है तो परा है इसीलिए जो भी पासवर्ड स्टूडेंट है ऐप को डिलेट मत करिएगा अनाउंसमेंट कर दूंगा अब चाहे कल आवे या परसों आवे जब भी आवे उससे पहले हमें आधा घंटा पहले आज अनाउंस नहीं किया था बट नेक्स्ट डे अनाउंस कर दूंगा आज दस क्वेश्चन ही रहने क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो लंबा वीडियो हो जाता दो पिछले जो था एयर में दो घंटा हो गया था क्रॉस तो उब जाता है तो बस आज तब चलो अच्छा लगा बहुत दिन के बाद में मैंने मैं आप लोग के लिए बहुत दिन बहुत दिन बाद मैं आप लोग के लिए लाइव आया हूँ यूट्यूब लाइव आया हूँ और जो भी नया हो सब्सक्राइब कर लेना मर्जी है तो कर लेना तुम्हें ही को फायदा मिलेगा हमको कुछ नहीं होता उससे यूट्यूब से कुछ नहीं होता बच लो यूट्यूब से कुछ नहीं होता वो तो प्रचार के लिए यूट्यूब होता बस यही बात समझो इसीलिए सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई भी नोटिस या कोई भी क्लास आएंगे तो तुमको फायदा मिल जाएगा को मिल जाएगा हमको क्या होता फर्क नहीं है चूंकि एक लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर पचास हजार से ज्यादा बढ़ेगा तो कुछ बात भी होगा लेकिन आई थिंक हमको कभी पचास हजार से ज्यादा सब्सक्राइब हो ही नहीं सकता क्योंकि टॉपिक बेस किसी को नहीं होता यूट्यूब पर सब्सक्राइबर नहीं होता फिर जीके जीएस पढ़ाते तो बहुत ज्यादा हो जाता खैर छोड़िए जाने दी बात को तो बस आज यहीं तक अच्छा लगा खुशी मिला आ, बहुत खुश है हम लेकिन बस एक ही बात है एनसीईआरटी पर ये मां एनसीईआरटी पर ये बायोलॉजी के लिए नीड के लिए और कुछ नहीं और कुछ नहीं कुछ पोथांग तो था मॉडल टूल कुछ भी मॉडल स्टूल कुछ नहीं पढ़ना बस कुछ नहीं बस एनसीईआरटी पे फोकस करिए बस यही बात हम कहेंगे तब तक आज यहीं तक जय गुरु जी जय गुरु जी जय